बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 59 जिसमें थ्री फोर्स एक्टिंग एट पार्ट यानी ये पार्टिकल है जिसमें थ्री फोर्स काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिगर यू कैन सी। तो यहाँ पर कहता है टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, अगर हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में इन सभी फोर्सेस का हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे और उस रिजल्टेंट को केवल वाई डायरेक्शन में रखना है तो उसके लिए मिनिमम कितना एडिशनल फोर्स हम लगाएं कि केवल वाई डायरेक्शन में ही फोर्स बचे और एक्स में ना बचे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तीनों वेक्टर्स को हम ब्रेक करेंगे आई और जे के फॉर्म में। तो हम मान लें कि ये एफ वन है, एफ टू, एफ थ्री है। तो एफ वन को पहले अगर हम देखें तो एफ वन क्या हो जाएगा, फोर। अब ये बेस है तो ये बन जाएगा फोर, जो आपका फोर ये कॉस 60 डिग्री, ठीक है। माइनस का रहेगा क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट है एक्स एक्सिस के आई कैप, और ये रहेगा प्लस फोर साइन 60 डिग्री जे कैप। तो इसको सॉल्व कर लें, माइनस फोर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है आई कैप, प्लस फोर साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये हो गया, तो माइनस टू आई कैप प्लस √3 जे कैप, ये हमारा एक आंसर हो गया। अब अगर हम एफ टू की बात कर लें तो एफ टू में देखिए ये 1 न्यूटन है, ये चूंकि यहां से एंगल बना रहा है तो ये जो है कॉस में आएगा और ये साइन में आएगा। तो साइन पहले लिख लेते हैं, 1 sin 30 degree आई कैप, और ये ऊपर डायरेक्शन में है पॉजिटिव में है तो 1 cos 30 degree जे कैप, ठीक। 1 का कोई मतलब नहीं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 1/2 आई कैप प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 जे कैप हो गया। इसी तरह से इस वाले फिगर को देखें तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, हमने छोड़ दिया ये, तो इसका ये कंपोनेंट हॉरिजेंटल बनेगा तो F3 इसको नाम दे देते हैं। F3 में ये हॉरिजेंटल है क्योंकि Y के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा और X को पहले लिख लो, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो X के लिए आ जाएगा 2 sin 30 डिग्री माइनस, ये डायरेक्शन अपोजिट है Y के तो माइनस 2 cos, अच्छा यहाँ आई कैप लगाना चाहिए, cos 30 डिग्री जे कैप। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आई कैप बचेगा, cos 30 √3/2 तो यहाँ बचेगा √3 जे कैप। अब ये तीनों प्रकार के फोर्स हमारे पास अवेलेबल हो गए तो नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, तो एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री। अब एफ एन है माइनस 2 i कैप प्लस 2 √3 जे कैप, एफ टू की वैल्यू 1/2 आई कैप और √3/2 जे कैप, एफ थ्री की वैल्यू आई कैप माइनस √3 जे कैप। अब यहाँ आई आई सब जगह सॉल्व कर लेते हैं तो आई को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 2 प्लस 1/2 और यहाँ प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो बचेगा प्लस जे वाला, देखिए जे को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बनेगा, 2 √3 प्लस √3/2 और माइनस √3, बल्कि √3 भी कॉमन हो जाता तो ठीक रहता। तो देखिए अगले स्टेप में वो भी कर लेंगे, तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा हमारा माइनस का 0.5 आई कैप, ठीक है। प्लस ये जो वैल्यू होगी ये 2 × 4, ये बनेगा लगभग 3 √3/2 जे कैप। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है केवल वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आ गया। अब रिजल्टेंट में हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही रखना है तो यानी इसको गायब करना पड़ेगा। तो कहता कितना मिनिमम हम फोर्स इसमें ऐड करें, तो एडिशनल फोर्स हमें इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का 0.5 न्यूटन लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा, प्लस का आई कैप मतलब वो तो डायरेक्शन दिखाएगा इसके अपोजिट, है ना। तो इतना मिनिमम फोर्स, यही आंसर है, इतना मिनिमम हमें एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि वाई डायरेक्शन में कि ये अकेला कंपोनेंट बचे, ये इसका आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।